Hello everyone, welcome to my channel Vishesh Learning Institute, and today I am going to discuss the sum problem on Laplace transform. So this is continue from the previous lecture. So this question is very important question. So let's start the video. So the question is, so that 0 to infinite t e to the power minus 3s sin t dt equal to 3 upon 50. तो ये क्वेश्चन भी कुछ उस तरीके से है कि यहाँ पे t है, फिर e टू द पावर माइनस 3s और sin t dt. तो अगर हम LHS को लेके चलें तो 0 टू इन्फाइनाइट t e टू द पावर माइनस 3s sin t और dt. तो यहाँ पे अगर हम t sin t को एक साथ लिख लें कुछ इस तरीके से, 0 to infinite e to the power minus 3s t of sin t or dt. ये कुछ उसी तरीके का लग रहा है जैसे ये लाप्लास हो और t of sin t. ठीक, अगर यहाँ पे t होता तो, या यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है, यहाँ पे क्या 3 नहीं, ठीक है यहाँ पे क्या है माइनस 3s और हमारे फार्मूले में क्या होता है t होता है. हमारे फार्मूले में होता है 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस st इस तरह से ft dt. यहाँ पे कुछ इस तरीके से है माइनस 3s. लेट मी चेक द क्वेश्चन. सो दिस इज t, यहाँ पे t होगा. सो यहाँ पे t है, ठीक है. तो t के जगह पे t है, s के जगह पे सिर्फ 3 है. तो ये बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है. अगर हम इस टोटल को ft समझें तो ये कुछ इसी फॉर्म में है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ s के जगह पे 3 है. तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लास्ट में s के जगह पर 3 को पुट कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इस छोटे वाले पार्ट को ft मानते हैं. तो पहले हम फाइंड करते हैं इसके हिसाब से, सपोज ft इज़ sin t. तो अगर हम इसको निकाल लें तो l ऑफ ft होगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये फॉर्मूले से आया है लाप्लास ऑफ साइन टी. तो हमें यहाँ लिख लेना चाहिए था एक बार, तो लिख देते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी मीन्स लाप्लास ऑफ साइन टी, एंड दिस इज इक्वल 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. अब अगर हम लाप्लास निकालेंगे टी ऑफ एफ टी इस तरीके से, तो ये हमें मिलेगा लाप्लास ऑफ टी, और यहाँ हम एफ टी को मान रखे हैं साइन टी. इस पर हम वही फार्मूला लगाएंगे, माइनस 1 टू द पावर 1, वही थ्योरम. तो ये हो जाएगा d बाई डी एस, और यहाँ पे होता है f ऑफ s, और यही है f ऑफ s. क्लियर, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, यही l ऑफ ft ही हमारा एफ एस होता है, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है एफ एस. सो दिस इज माइनस 1 टू द पावर 1 d बाई डी एस, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है पहले से, तो ये हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा माइनस 2s. सो फाइनली ये मिलेगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस. क्लियर, सो ये क्या है, ये यही था एल ऑफ टी एफ टी. ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और टी, और एफ टी हमने किन को मान रखा है साइन टी को, साइन टी, और ये हो गया डी टी. तो अब इसको ध्यान से देखिए, तो
तो अब इसमें अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्या है, ई पावर -3t, यानी एस के जगह पे अगर हम 3 पुट कर दें, एस के जगह पे 3 पुट करिए, तो एस के जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था 0 to ∞ ई टू द पावर -3t देन टी फिर साइन टी डी टी इक्वल टू 2 × s, तो 2 × 3 और अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो ऊपर हो गया 6 और नीचे 3 3 3 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर यानी 100। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3/15। यही तो था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करते हैं, पहले हम इसका टी साइन टी इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पावर में होगा वो एस की वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ ई पावर -3t था, ये एक तरह से एस की वैल्यू 3 है, तो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये है क्वेश्चन, सो दैट 0 to ∞ t^3 e^-t sin t dt = 0। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, तो हम इसका LHS पार्ट ले लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, e^-t एंड tq sin t dt, ऐसा है, इसको हमें 0 लाना है। हम क्या करेंगे, इसी का हम पहले लाप्लास निकाल लेंगे, तो अब हम थोड़ा पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा डायरेक्ट चल सकते हैं। तो टी क्यू ऑफ साइन टी, इसको हम क्या लिखेंगे, -1 to the power 3, उसी फॉर्मूले से d3/dS3, यहाँ पे क्या होगा f(s), हम यहाँ यूज कर रहे हैं वही फार्मूला, लाप्लास ऑफ t^n ft = -1 to the power n dn dsn, और यहाँ पे होगा f(s), ठीक है। अब यहाँ जो f(s) है वो हमें कहाँ से मिलता है, लाप्लास ऑफ ft से, ठीक है। तो हम वही काम यहाँ करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो fs है यहाँ हमारा साइन टी है एफ टी की जगह पे, तो हमारा जो एफ एस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/s² + 1, ठीक है, 1/s² + 1, सो ये देगा माइनस, सो dq/dS3 1/s² + 1, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 3 बार, तो -d2/dS2 एक बार करेंगे तो क्या आएगा, -2s/s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे प्लस d/dS, फिर हम इसका करेंगे एक बार और तो आएगा s² + 1 का होल स्क्वायर, सिंपल डिवीज़न है और कुछ नहीं है, -2 - -2s, 2s² + 1, क्लियर। नीचे आएगा s² + 1 का पावर 4, इसका स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे s² + 1 यहाँ भी है और s² + 1 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1s² + 1 बचेगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2s² - -2, एक पावर यहाँ बचेगा, फिर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और यहाँ से हम 2 को भी निकाल सकते थे बाहर वैसे, ठीक है। तो s² + 1 ये हो जाएगा प्लस 2 2 4 एंड दिस s,
अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का पावर क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4s माइनस माइनस प्लस, इसका हमारा 2 आ रहा है, फिर एक 2s यहाँ भी आएगा, इसका एक 2s, जब हम ब्रैकेट का करेंगे पावर करेंगे तो 2s स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर इस ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। सो दिस 2s और 2s, 2 2 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और s स्क्वायर, 8s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, हमारा d बाई डी एस 6s स्क्वायर माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका एक बार और हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये देगा एस स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब इंटू 12s माइनस 6s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s, ऐसा नीचे हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस स्क्वायर प्लस वन को हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 12s और इसका एस स्क्वायर प्लस वन, सो 12s क्यू प्लस 12s माइनस ये हो जाएगा 3 2 6s, सो 6s, दिस इज 6s, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36s क्यू, एंड देन प्लस 2 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 12s, ठीक है, 3 2 6 2 12, 3 2 6 2 12, एंड माइनस माइनस प्लस अपॉन में आएगा s स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब देन 12s माइनस 6s स्क्वायर माइनस 2 देन 2 3 एंड स्क्वायर एंड 2s, ठीक है। यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ये और ये मिलके क्या हो गया 24 माइनस 24 एस क्यू एंड प्लस 24s क्लियर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, दिस 2 कैंसिल बाई ये। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 24s अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस एस स्क्वायर, क्लियर, एंड अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, ठीक है। और ये हमारा किसका मान था, ये हमारा मान था लाप्लास ऑफ टी क्यू साइन ऑफ टी का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ये बड़ा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आसान है उसी तरीके से। तो ये लाप्लास ऑफ टी क्यू साइन टी का मान है 24s 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी क्यू साइन टी डी टी इज इक्वल टू दिस मच 24s
वन माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन टू द पावर फोर। क्लियर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, ई पावर माइनस टी है। तो ई पावर माइनस टी का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे है एस के जगह क्या है वन, तो अगर हम एस के जगह वन पुट करेंगे तो सिंपली वन माइनस वन इज ज़ीरो, सो दिस होल टर्म सिर्फ बिकम्स ज़ीरो, और यही हमें लाना था। तो कितना आसान था, ये देखने में ज़रूर थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन आसान था। बस स्टेप थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।